अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जिया और वेलकम करता हूं आपको YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रूटिंग पाउडर और रूटिंग लिक्विड के बारे में। ये दोनों एक ही चीज़ है, दोनों ही रूट्स की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बस इनमें डिफरेंस ये है कि ये पाउडर फॉर्म में है और ये लिक्विड फॉर्म में है। तो आज की वीडियो हमारी इस केमिकल के ऊपर है और मैं इसमें आपको कम्प्लीट डिटेल दूंगा कि ये हम इसको किस तरह और कैसे यूज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्या चीज है। तो आप यूं समझिए कि रूटिंग पाउडर और रूटिंग लिक्विड जो होता है, ये एक ऐसा केमिकल है जो रूट्स को बूस्ट अप करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी अगर मैं सीधी अल्फाज में बताऊं तो ये रूट को जल्दी ग्रो करने में रूट की हेल्प करता है। कोई भी प्लांट्स है, अगर वो स्ट्रेस में आ जाता है जब हम एक जगह से उसको दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं या नई प्लांटेशन होती है, तो उसमें प्लांट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होता है सम टाइम ग्रो होने में। तो ये केमिकल बूस्ट अप कर देते हैं रूट्स को, ताकि रूट जल्दी जल्दी ग्रो हों और प्लांट जल्दी से स्टेबल हो जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इनका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, क्योंकि मार्केट में आपको इस नाम से बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे ये आप देख रहे हैं कि रूटिंग पाउडर है और इसके ऊपर जो इसका ब्रांड नेम है वो रूटर लिखा हुआ है, लेकिन इनका एक एक्टिव इंग्रेडिएंट भी है। दोस्तों, इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट इन सबका सेम ही होता है, जिसे हम आम जबान में या शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं कि IBA कहते हैं। IBA मीन्स इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। तो जितने भी रूटर्स होते हैं उसके अंदर ये केमिकल पाया जाता है, उसका नाम है इंडोल ब्यूटेरिक एसिड और उसको शॉर्ट फॉर्म में IBA कहते हैं। अब मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि हम रूटिंग पाउडर को किस तरह यूज करते हैं और रूटिंग लिक्विड को। तो सबसे पहले हम अगर रूटिंग पाउडर की बात करें तो इसको यूज करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको मैं स्टेप वाइज बताता हूँ कि किसी भी प्लांट्स की आपने कटिंग लेनी है, कटिंग लेने के बाद आपने उस पार्ट को पानी से वॉश आउट कर देना है। जब पानी के अंदर डिप करेंगे तो वो वॉश हो जाएगा, और वॉश इसलिए किया जाता है कि उसके ऊपर सॉइल पार्टिकल्स ना हो या कोई डिजीज वगैरह। उस पार्ट को साफ करने के बाद आपने उस जो पार्ट है प्लांट्स का, उसको आपने रूटिंग पाउडर के अंदर जो है डिप कर देना है, या रूटिंग पाउडर में आपने उसके ऊपर रूटिंग पाउडर लगा देना। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, रूटिंग पाउडर लगाने के बाद आपने सॉइल का पॉट लेना है, उसके अंदर उसको प्लांट कर देना है, मतलब कि उसको लगा देना है। कुछ टाइम के बाद जैसे ही जर्मिनेशन हो जाएगी तो आप उसको वहां से ट्रांसप्लांट करके जो भी फील्ड है आपकी रिकमेंड फील्ड है आप उसमें उसको लगा सकते हैं। तो बहुत ही इसका आसान मेथड होता है। या आप पिक्चर को एक दफ़ा देख लें तो मेरा ख्याल है कि आपको पहली दफ़ा ही समझ आ जाएगा। और इसको यूज़ करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इसमें कोई डोजेज का कोई वो टेंशन नहीं है कि आपने कितनी डोजेज रखनी है। आपने जस्ट पार्ट लेना है, पार्ट को आपने रूटिंग पाउडर के अंदर डिप करना है और सॉइल के अंदर लगा देना है। दोस्तों, अब बात करते हैं लिक्विड रूटर की। तो ये भी IBA है और इसका जो ब्रांड नेम है रूटर है, और इन दोनों का जो आपस में डिफरेंस है वो ये है कि ये लिक्विड फॉर्म में है। इसको यूज करने के लिए आपने पहले सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको यूज करेंगे। तो दोस्तों, अगर बात करें हम वेजिटेबल्स की, किसी भी फील्ड के ऊपर आपकी वेजिटेबल्स लगी हुई हैं तो आप उसको किस तरह यूज करेंगे। आपने IBA का यानी कि रूटर का आपने 250 ml लेना है और 1000 L वाटर के अंदर डिजोल्व करके आपने उस पर अप्लाई कर देना, जो भी आपकी फील्ड है। इसी तरह अगर आपकी गार्डन वेजिटेबल्स हैं या कोई हर्ब्स वगैरह हैं तो उसमें इसकी जो डोजेज है वो 2.5 ml आपने रूटर लेना है और इसके अंदर 10 L पानी के अंदर आपने डिजोल्व करके आपने एज अ फ्लडिंग मेथड या जो भी तरीका आप कर सकते हैं, शॉवरिंग कर दें, उस तरह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो रूटर है ये हमारे जो फ्लावर्स होते हैं, सीजनल फ्लावर्स होते हैं या हमारी सीडलिंग्स होती हैं, उनकी ग्रोथ को भी बूस्ट अप करने के लिए यूज किया जाता है। उसमें भी इसके जो डोजेज होगी वो 5 ml पर 10 L ऑफ वाटर आपने इसका सॉल्यूशन बनाना है, और जो भी फ्लावर्स होते हैं या उनके बेड्स हैं या सीडलिंग आपने लगाई हुई है उसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो उसकी जो ग्रोथ है वो बूस्ट अप हो जाएगी। इसके साथ साथ आप इसको जो प्रोपेगेशन मेथड होता है वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोपेगेशन में इसकी जो डोजेज है वो हाफ हो जाएगी, मतलब 2.5 ml पर 10 L ऑफ वाटर। तो जब आप प्रोपेगेट कोई चीज कर रहे होते हैं, किसी भी प्लांट्स को प्रोपेगेट करते हैं, तो वहां भी आप इसको यूज कर सकते हैं।
दोस्तों इसके अलावा आप कटिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं। जब हम किसी प्लांट्स की या फ्लावर की कटिंग लगाते हैं तो उसमें यूज करने का तरीका यह है कि आपने डोजेज सेम लेनी है, मतलब आपने सोल्यूशन बनाना है, 5 ml रूटर लेना है, 10 L पानी के अंदर डिजोल्व करना है और जो भी कटिंग है उसको डिप कर देना है 30 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसको सॉइल के अंदर लगा दें। इसके साथ साथ हाइड्रोपोनिक भी एक मेथड होता है प्लांट्स को ग्रो करने का, तो वहां भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें जो हाइड्रोपोनिक मेथड में जो इसकी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही कम होगी। आप यूं समझे कि 0.5 ml को 0.5 ml आपने IBA लेना है और 10 L पानी के अंदर आपने सॉल्यूशन बना के उसको जो है वहां हाइड्रोपोनिक मेथड से आपने जो भी प्लांट्स ग्रो करने वहां इस सॉल्यूशन को आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो सीड ट्रीटमेंट है वहां भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट में आपने जो है 150 ml आपने IBA लेना है पर मैट्रिक टन, मतलब एक मैट्रिक टन में 150 ml लेकर आपने उस सीड को ट्रीट कर सकते हैं। जिस सीड को आपने सो करना हो तो उससे पहले सीड की आप ट्रीटमेंट कर दें, उसके बाद आप सीड को सो कर दें तो वो सीड भी जो ग्रोइंग जो पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी और आपका सीड जो है वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। दोस्तों मार्केट में ये काफ़ी सारे ब्रांड नेम के साथ आपको मिल जाएंगे और आप जब भी रूटिंग पाउडर या रूटिंग लिक्विड लें तो एक अच्छी कंपनी का लें। और इनके जो अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये मेरे पास जो बॉटल है ये तकरीबन 100 ml की है और इसके प्राइस भी इतने कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, ये 250 तक की आपको मिल जाएगी। और जहाँ तक इस रूटिंग पाउडर का ताल्लुक है तो ये आपको 1000 की रेंज में मिल जाएगा। इसके अंदर जो पाउडर है उसका वेट 500 ग्राम है, मतलब कि आधा किलो, तो इसके प्राइस भी वेरी करते हैं। इसके अलावा रूटिंग पाउडर से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, आइडोल ब्यूटेरिक एसिड से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।